हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फूलगोभी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। फूलगोभी क्या है और ये क्यों फ़ायदेमंद है? फूलगोभी सेहत के लिए क्यों अच्छा होता है? क्या फूलगोभी खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है? क्या फूलगोभी डाइजेशन के लिए अच्छा है? क्या फूलगोभी खाने से वजन कम हो सकता है? क्या फूलगोभी सर्दी जुकाम से बचा सकता है? क्या शुगर के लिए फूलगोभी फ़ायदेमंद है? क्या फूलगोभी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है? क्या फूलगोभी दिमाग और मूड को फ्रेश रखता है? फूलगोभी खाने का सही तरीका क्या है? फूलगोभी खाने से हड्डी मजबूत क्यों होता है? फूलगोभी आँखों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? फूलगोभी खाने से क्या नुकसान हो सकता है? फूलगोभी खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित कैसे रहता है? क्या फूलगोभी खाने से सूजन कम हो सकता है? और गोभी कितने प्रकार का होता है? तो चलिए जानते हैं इसके आंसर। इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं फूलगोभी क्या है और ये क्यों फ़ायदेमंद है। फूलगोभी सर्दी के सीजन में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। ये जितनी टेस्ट में उम्दा होती है, उतने ही उम्दा इसके गुण और इसके फायदे भी हैं। 100 ग्राम फूलगोभी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और सबसे खास बात यह है कि फूलगोभी रोज़ की ज़रूरत की 70 से 100% तक विटामिन सी देने में भी बेजोड़ है। इसके अलावा फूलगोभी में 2% कैल्शियम और आयरन, 6% पोटेशियम और 3% मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और फूलगोभी के ये गुण आपको सर्दियों के दौरान कई बीमारियों से बचा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, फूलगोभी सेहत के लिए क्यों अच्छा है? फूलगोभी में पाए जाने वाले पोषक तत्व तो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। फूलगोभी में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गतिविधि में इजाफा कर सकते हैं। गोभी की सब्जी शरीर को पर्याप्त ऊर्जा दे सकती है क्योंकि 100 ग्राम फूलगोभी में लगभग 20 कैलोरी होती है। साथ ही इसमें डाइटरी फाइबर और फोलेट की अच्छी मात्रा भी पाई जाती है। इन्हीं गुणों के कारण फूलगोभी सेहत के लिए अच्छी होती है। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या फूलगोभी खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है? फूलगोभी में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। साथ ही अपने एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और शरीर को कई तरह के संक्रमणों और बीमारियों से बचाती भी है। और अगला क्वेश्चन है, क्या फूलगोभी डाइजेशन के लिए अच्छा है? 100 ग्राम फूलगोभी में 92 ग्राम पानी होता है जो आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। साथ ही ये फाइबर का अच्छा सोर्स भी है जो कब्ज से बचाव और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने का काम करता है। इसके अलावा गोभी में ग्लूकोसाइनोलेटस नामक तत्व भी पाया जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या फूलगोभी खाने से वजन कम हो सकता है? फूलगोभी में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। अध्ययन में पाया गया है कि ग्लाइसेमिक वाली सब्जियों का अधिक सेवन वजन कम करने में सहायक हो सकता है। फूलगोभी ग्लूकोज इंसुलिन प्रक्रियाओं और शरीर में वसा बढ़ने की स्थिति में सुधार कर सकती है और ऊर्जा बढ़ा सकती है और इससे मोटापा कम हो सकता है। और छठा क्वेश्चन है, क्या फूलगोभी सर्दी जुकाम से बचा सकती है? फूलगोभी में मौजूद विटामिन सी आपको सर्दी जुकाम जैसे मौसमी फ्लू से बचा सकता है। साथ ही आपके स्किन के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा फूलगोभी हाई कार्ब से भी भरपूर होती है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम भी करती है। और सातवां क्वेश्चन है, क्या शुगर के लिए फूलगोभी फायदेमंद है? दरअसल फूलगोभी में सल्फोराफेन पाया जाता है जो मधुमेह और किडनी की बीमारी के खतरे को कम करता है। इसी वजह से मधुमेह से बचने के लिए या फिर जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं उन्हें ठंड के मौसम में फूलगोभी का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। गोभी शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या फूलगोभी त्वचा के लिए फायदेमंद है? फूलगोभी में मौजूद विटामिन सी कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये कोलेजन एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हुए आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है जिससे बढ़ती उम्र के साथ स्किन पर नज़र आने वाली प्रॉब्लम जैसे ड्राइनेस और झुर्रियाँ कम दिखाई देती हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्या फूलगोभी दिमाग और मूड को सही रखता है?
फूल गोभी कोलिन का एक अच्छा सोर्स है जिसका काम होता है ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखना। फूल गोभी खाने से आपकी याददाश्त, मनोदशा, मांसपेशियों पर नियंत्रण, मस्तिष्क में विकास और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को सही रखने में मदद मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी खाने का सही तरीका क्या है। दरअसल फूल गोभी तो लोग कई सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसे खाने का सही तरीका नहीं जानते हैं। सर्दियों में फूल गोभी खाना लोगों को बहुत पसंद होता है, वे इसके पराठे, सब्जी, अचार, पकौड़े आदि बनाकर खाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार फूल गोभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, फूल स्वाद और सेहत का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है। लेकिन इसे गलत तरीके से खाने से ही पेट में गैस, पाचन संबंधी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। अगर आप अक्सर ताज़ा गोभी का सेवन करते हैं तो इसमें अन्य गोभी के तुलना में 30% ज़्यादा प्रोटीन और कई अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। खास तौर पर कच्चे गोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। फूल गोभी को कई तरीकों से खाया जा सकता है, लेकिन अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो हमेशा पकी हुई फूल गोभी खाने की कोशिश करें। कई लोग गोभी में कीड़े निकलने की वजह से इसे उबाल कर खाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गोभी को उबालने से इसके भीतर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लगभग ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इस सब्जी को सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी खाने से हड्डी मजबूत क्यों होता है। दरअसल फूल गोभी में विटामिन के पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूती दे सकता है। साथ ही इसमें कई ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो हड्डियों के घनत्व में सुधार करके फ्रैक्चर के जोखिम को कम कर सकते हैं। एक मेडिकल रिसर्च कहती है कि विटामिन के का प्रतिदिन सेवन फ्रैक्चर को कम कर सकता है, इसलिए फूल गोभी के फायदों में हड्डियों को मजबूती देना भी शामिल है। और अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी आँखों के लिए कैसे फायदेमंद है। आँखों की रक्त वाहिकाओं के लिए विटामिन सी अच्छा होता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार यह मोतियाबिंद होने के जोखिम को कम कर सकता है। 100 ग्राम फूल गोभी में इसकी मात्रा 48 मिलीग्राम होती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है जो बढ़ती उम्र के साथ आँखों को होने वाले नुकसान से बचा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी खाने से क्या नुकसान हो सकता है। थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए गोभी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इससे T3 और T4 हार्मोन्स के बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। गोभी में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो इसका ज़्यादा सेवन करते हैं उनका खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। जो लोग पहले से ही खून गाढ़ा करने का दवा खा रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही फूल गोभी का सेवन करें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह सब्जी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे खाने से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। फूल गोभी खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित कैसे होता है। बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर हृदय रोग को बढ़ा सकता है। वहीं फूल गोभी से कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि फूल गोभी में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है, इसलिए भोजन में फूल गोभी का सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या फूल गोभी खाने से सूजन कम हो सकता है। फूल गोभी में प्रचुर मात्रा में फ्लेवोनॉइड कंपाउंड पाया जाता है जो मानव शरीर पर एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन रोधी प्रभाव दिखा सकता है। 100 ग्राम ताजी फूल गोभी में 267 मिलीग्राम फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। फूल गोभी को अलग अलग तरीके से पकाने से फ्लेवोनॉइड की मात्रा कम हो जाती है। अगर फूल गोभी का अधिक से अधिक फायदा लेना चाहते हैं तो इसे पानी में उबालने की जगह हल्का कच्चा या भून कर खाएं। और आखिरी क्वेश्चन है, गोभी कितने प्रकार का होता है। गोभी कई तरह की होती है, जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी या फिर ब्रोकली। और इन चारों तरह की गोभी के अलग अलग फायदे होते हैं। तो ये थे गोभी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।